News 18, India. और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा जाएंगे। अहमदाबाद में जेपी नड्डा आज दोपहर राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी लगातार राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। इस बीच गुजरात से जेपी नड्डा राज्यसभा जाएंगे। अहमदाबाद में आज जेपी नड्डा दोपहर में राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। पत्थर फेंके, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से किसानों के पत्थर उस ड्रोन तक नहीं पहुंच सके। इसी वजह से वो ड्रोन आंसू गैस के गोले गिराने के बाद वहां से निकल गया। और दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों और पुलिस के बीच हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर भी झड़प हो गई। हरियाणा पुलिस ने पंजाब की तरफ से आने वाले किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर को पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसानों का जत्था वहां आकर डट गया। किसानों को रोकने के लिए तैनात पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धुएं से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर किसान इधर उधर भागते दिखे। वहां मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर गोलियां भी चलाई। खनौरी बॉर्डर हरियाणा के जींद जिले में पंजाब से लगने वाली सीमा पर मौजूद है और किसानों की कोशिश है कि यहां से उनका जत्था करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच जाए। हालांकि खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए पुलिस का पहरा तोड़कर दिल्ली पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पार करने के बाद उन्हें हरियाणा के कई शहरों से भी होकर गुजरना होगा। लेकिन पुलिस की तैयारी ऐसी है कि किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री का अबुधाबी में संबोधन। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यूएई की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बताया, कई साल पुराना सपना पूरा हुआ, प्रमुख स्वामी का सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में भव्य मंदिर के निर्माण को मानव इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय बताया। दावा किया उन्होंने कि अबुधाबी में बना मंदिर वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। अबुधाबी में मंदिर निर्माण करवाने वाली संस्था BAPS की भी प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यूएई ने अपनी धरती पर मंदिर निर्माण करवाकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अयोध्या में बने राम मंदिर और अबुधाबी में बने मंदिर के निर्माण के वो साक्षी बने। पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। रामलला अपने भवन में विराजमान हुए हैं। पूरा भारत और हर भारतीय उस प्रेम में, उस भाव में अभी तक डूबा हुआ है। और अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा भी की। इस मंदिर को BAPS यानी बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण नाम की संस्था ने करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया। और 27 एकड़ में फैले इस भव्य मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस बेहद खास मौके पर वहां मंदिर के कुछ संत भी मौजूद रहे। मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने वहां वैश्विक आरती की। इसे वैश्विक आरती इसलिए कहा गया क्योंकि इसी समय पर यूएई के अबुधाबी के साथ साथ भारत और दूसरे देशों के BAPS यानी बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के मंदिरों में भी आरती की गई। बाद में प्रधानमंत्री ने मंदिर में मौजूद अलग अलग देवी देवताओं की पूजा भी की। इससे पहले मंदिर पहुंचने के बाद BAPS संस्था के संत और स्वामी ईश्वर चरण दास ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे मंदिर परिसर का जायजा लिया। वो वॉल ऑफ हार्मनी के सामने कई अधिकारियों और संतों से भी मिले। वॉल ऑफ हार्मनी यूएई की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड दीवार है, जो 45 मीटर लंबी और 4.5 मीटर ऊंची है। इस दीवार पर दुनिया के 26 स्मारकों को दिखाया गया है। वैश्विक आरती में शामिल।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद से आज ईडी की टीम पूछताछ करेगी। लुईस खुर्शीद से डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के मामले में ये पूछताछ की जाएगी। जानकारी मिल पा रही है कि ईडी ने सलमान खुर्शीद को पूछताछ के लिए लखनऊ कार्यालय में बुलाया है। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण के वितरण के मामले में लुईस खुर्शीद के खिलाफ साल 2017 में FIR दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने भी जांच की थी, जिसमें फर्जी मुहर, फर्जी दस्तखत और सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की नक्काशी को निहारते नजर आए। उनके साथ मंदिर के एक संत भी दिखे, जो उन्हें मंदिर के अलग अलग हिस्सों की जानकारी देते दिखाई दिए। और अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर कई मायनों में खास है, क्योंकि करीब 27 एकड़ में फैले इस मंदिर में अयोध्या में बने राम मंदिर की तरह ही स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाने वाली संस्था का दावा है कि बिना स्टील और लोहे के इस्तेमाल से बना ये मंदिर 1000 साल तक यूं ही चमकता रहेगा। आध्यात्म के केंद्र इस मंदिर को अबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर बनाया गया, जो दुबई से अबू धाबी के बीच शेख जायद हाईवे पर मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण BAPS यानी बुचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने करवाया। BAPS ने 1997 में इस मंदिर के निर्माण का सपना देखा था, जो करीब 27 साल में पूरा हो सका। इस भव्य मंदिर के लिए 2017 में अबू धाबी के प्रिंस ने जमीन दी थी और अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। करीब 5 साल में 27 एकड़ में फैले इस मंदिर को 700 करोड़ की लागत में तैयार कर दिया गया। संगमरमर से बने मंदिर के खंभों पर अद्भुत शिल्पकारी दिखी। हर खंभे पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी गईं। और नक्काशी के लिए खास तौर से भारत से कारीगरों को अबू धाबी बुलाया गया था। इस मंदिर को बनवाने वाली संस्था ने बताया कि मंदिर में हाथों से नक्काशी की गई, यानी किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसकी झलक पूरे मंदिर में जगह जगह दिखाई दी। पश्चिम एशिया में हिंदुओं का ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है, जबकि मंदिर की लंबाई 262 फीट है। मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसमें एक साथ 10,000 लोग पूजा पाठ कर सकेंगे। इस भव्य मंदिर में कुल 7 शिखर, 2 गुंबद और 410 नक्काशीदार खंभे बनाए गए। मंदिर का मुख्य हिस्सा 13 एकड़ जमीन पर बनाया गया, जबकि बची हुई 13 एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। अबू धाबी में इस मंदिर के निर्माण में राजस्थान के जयपुर के 15,000 टन गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि करीब 18 लाख ईंटें भी लगाई गई। उधर बड़ी खबर आई किसान आंदोलन से जुड़ी। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में शाम 5 बजे तीसरी मीटिंग होगी। पंजाब के पटियाला में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण पंडेर ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि इस मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा पीयूष गोयल और नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच मीटिंग बेनतीजा रही। इसीलिए लंबी बातचीत के लिए किसानों को चंडीगढ़ बुलाया गया। उम्मीद ये की जा रही है कि इस मीटिंग में किसान और सरकार के बीच समझौता हो जाएगा, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो किसानों का ये आंदोलन जारी रह सकता है। आंदोलन के दूसरे दिन भी पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा की सीमा में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले छोड़े, और उसकी वजह से पंजाब की तरफ शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच भगदड़ मच गई, क्योंकि आसमान से गिरने वाले आंसू गैस के गोले न सिर्फ जोरदार आवाज के साथ फटे,